हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीएसएस के अंदर ग्रेडियंट्स कलर्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियंट कलर होते क्या हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक यूआई ग्रेडियंट्स नाम से एक वेबसाइट है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट कलर्स हैं। तो गाइस, मॉडर्न वेबसाइट में आजकल ग्रेडियंट कलर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो ग्रेडियंट कलर्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हमें एक से ज़्यादा कलर को यहाँ पर एकदम मिक्सअप में दिखाना है तो उसके लिए हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट साइजेस से, और उसको हम काफ़ी तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि हम उसको डायगोनल दिखाना चाहते हैं या रोटेट दिखाना चाहते हैं या डिग्रीज में दिखाना चाहते हैं या उसको एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, आज हम इसी को ही सीखते हैं और इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सीएसएस हमें डिफाइन करता है दो तरीके से ग्रेडियंट्स को। पहला ग्रेडियंट है हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट और दूसरा हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट। तो गाइज, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो गाइज, जो लीनियर ग्रेडियंट है वो मेरा डाउन, अप, लेफ्ट, राइट और डायगोनली वर्क करता है, और जो रेडियल ग्रेडियंट है वो मेरा एक सर्कल, सॉरी, सेंटर से वर्क करता है। बेसिकली ये वर्क करता है एक सर्कल के फॉर्म में, और लीनियर ग्रेडियंट हमारा चारों साइड से वर्क करता है और साथ ही डायगोनली। तो गाइज, सबसे पहले हम इसमें सीखने वाले लीनियर ग्रेडियंट्स। तो गाइस, इसका एक सिंटेक्स होता है हमारे पास सीएसएस 3 में। उसका सिंटेक्स है, हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है, देन उसके अंदर हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो है हमारी लीनियर ग्रेडियंट, और सबसे पहली जो वैल्यू इसमें है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हम उसको ग्रेडियंट को देना चाहते हैं। देन नेक्स्ट, उसके बाद हमें यहाँ पर कलर चूज़ करना है। अगर हम एक से ज़्यादा कलर चूज़ करेंगे तो ही हमारा ग्रेडियंट वर्क करेगा, क्योंकि दो कलर के साथ ही हम ग्रेडियंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर दो कलर और दो से ज़्यादा कलर का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड भी लिखेंगे तो भी ये मेरा वर्क करेगा, बट बेसिकली जो हमारा सिंटेक्स वर्क करता है वो मेरा बैकग्राउंड इमेज पे। तो गाइज, सबसे पहला है इसमें हमारे पास डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होती है हमारे पास आती है टॉप टू बॉटम, जो कि हमारे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो गाइज, इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिवीजन की एक आईडी दे देता हूँ ग्रेड, ताकि हम इसमें ग्रेडियंट यूज़ करें। तो अब इस आईडी को मैं यहाँ पर गेट करा लेता हूँ और इसको एक बॉक्स के फॉर्म में हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके विड्थ दे देता हूँ मैं 700 पिक्सल्स और हाइट में इसके दे देता हूँ 400 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए इसका दे रहा हूँ रेड। इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये एक बॉक्स के फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। इसकी हाइट थोड़ी हम 300 पिक्सल रख देते हैं और इसकी विड्थ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं 1000 पिक्सल से। तो गाइज, अब ये काफ़ी मेरे पास ये बड़ा दिख रहा है। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट्स का। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को अब रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज हम यूज़ करना है, और सबसे पहला क्या है हमारे पास डायरेक्शन है, जो कि हमारी टॉप टू बॉटम है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करने के लिए टाइम के हम इसको लिख भी सकते हैं, और यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। मैं यहाँ पर करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, ये हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। देन इसके अंदर हमें अब डायरेक्शन डिफाइन करनी है। तो डायरेक्शन में अभी कोई भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो कि हमारी है यहाँ से टॉप टू बॉटम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कलर लिख देता हूँ वॉयलेट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इंडिगो कलर, कुछ भी कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ब्राउज़र पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दो कलर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। एक कलर को मैं थोड़ा यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया एक्वा कलर, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये दो कलर के लिए ग्रेडियंट फॉर्म हो चुका है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है मेरी टॉप टू बॉटम। अब अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यूज़ डालता हूँ टॉप टू बॉटम, तो ये मेरे किस तरीके से वर्क करेगा? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू बॉटम, मैंने यहाँ पर लिखा पहली डायरेक्शन टू बॉटम। अब जो मेरा बॉटम है, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरी वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है टॉप टू बॉटम के लिए। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ टू टॉप, तो यहाँ पर टू क्या वर्क कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको भेजना है टू, तो मैं यहाँ पर लिख दिया टू टॉप। अब देखा आपने, जैसे ही मैंने इसको डाला टू टॉप, तो अब क्या हुआ कि नीचे वाला कलर जो ऊपर आ चुका है और ऊपर वाला कलर नीचे आ चुका है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो टॉप से बॉटम की तरफ वर्क कर रहा है। जो डिफ़ॉल्ट है हमारा टॉप टू बॉटम है, सॉरी, अब जो वर्क कर रहा है मेरा वो बॉटम टू टॉप है। तो ये हमारा पहले चेंज। अब डायरेक्शन हमारी देखते हैं लेफ्ट टू राइट।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू राइट, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो मेरे पास ये 90 डिग्री पे क्रिएट होएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक कलर यहाँ पर है और दूसरा कलर मेरा यहाँ पर है। अब अगर इसको मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट लुक नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक 90 डिग्री पर ये क्रिएट हो रहा है। तो दो कलर का हमने यहाँ पर यूज़ करा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू राइट। अब अगर मेरे को लेफ्ट की तरफ जाना है राइट से, तो मैं यहाँ पर करूँगा टू लेफ्ट। तो आपने देखा कि कलर वो मेरे चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर वापस से वही कलर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं डायगनल। तो गाइज यहाँ पर डायगनल क्या यूज़ करता है, तो गाइज डायगनल को ये हमें यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़। तो दो प्रॉपर्टी का यूज़ मैं करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू बॉटम। अब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा, टू बॉटम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ से अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, टू बॉटम करा तो मेरे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो आ गई है। अब साथ में मैं यहाँ यूज़ करूँगा टू राइट। तो आप यहाँ पर देखना कि जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉटम तो हुआ और ये राइट से लेफ्ट की तरफ मेरा कलर ज़्यादा फॉर्म कर रहा है। और यहाँ से मैं इसको यूज़ करता हूँ टू बॉटम लेफ्ट, मैंने यहाँ पर लिखा टू बॉटम लेफ्ट, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कलर ये राइट टू लेफ्ट की तरफ चला चुका है। अब बॉटम की जगह हम यूज़ करके देखते हैं टू टॉप लेफ्ट, रिफ्रेश करता हूँ तो इसका ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मेरा वर्क करने लग गया। तो गाइस इसी के लिए आप यहाँ पर डायगनल का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर टॉप बॉटम लिखकर आप लेफ्ट राइट के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं एंगल्स। तो गाइस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम एंगल्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो गाइस इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज हमारा सेम वही सिंटैक्स है, लीनियर ग्रेडियंट हमारा वही सेम सिंटैक्स है, कलर के लिए हमारे पास सेम सिंटैक्स है, और जो इसमें चेंज हुआ वो है हमारा एंगल। अब गाइस हम एंगल का यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो एंगल के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ से टू लेफ्ट टू राइट ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको यहाँ पर एंगल लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 40 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर लिखा 40 डिग्री, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 डिग्री का मेरे पास ये चेंज आ चुका है। मैं यहाँ पर करता हूँ 90 डिग्री, तो जब मैं 90 डिग्री करूँगा तो मेरा एक सीधे फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं डार्क कलर के साथ आपको शो करता हूँ। मैंने यहाँ पर करा रेड और ग्रीन, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वही डायगनल के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 30 डिग्री तो मेरा 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको करा 30 डिग्री तो 30 डिग्री मेरा ये रोटेट हुआ। इसी के साथ आप यहाँ पर 180 डिग्री भी कर सकते हैं, तो 180 डिग्री करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री के फॉर्म में मेरा क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं मल्टीपल कलर स्टेप्स। तो गाइस मल्टीपल कलर क्या होंगे, मल्टीपल कलर भी हम इसको मैं वापस से रिवर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसमें टू राइट। अब हमने दो कलर का यूज़ करा हुआ है, वॉयलेट एंड एक्वा, इसके साथ ही मैं अब तीसरा कलर यूज़ करता हूँ इसमें रेड, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन कलर का मेरे पास ये ग्रेडियंट फॉर्म हो चुका है। अब रेड वाला हमारे पास काफ़ी डार्क लग रहा है, तो इसका कोई दूसरा कलर हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिगो, तो तीन कलर हुए मेरे पास, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन कलर का मेरे पास ये ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। तो गाइस मल्टीपल कलर्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इसके आगे भी अगर आप कलर लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीन, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा रेनबो के फॉर्म में ये क्रिएट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इस पर चलते हैं अब ट्रांसपेरेंसी। तो गाइस ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि दो कलर्स को आप यहाँ पर कितना दिखाना चाहते हैं, उनकी अल्फ़ा की वैल्यू आप कितना दिखाना चाहते हैं कि वो कितना ट्रांसपेरेंट हो जाए मेरे पास। तो मैं यहाँ पर हम इन कलर्स की जगह यहाँ पर यूज़ करूँगा RGB, RGB कलर्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा RGB, और इन RGBs के अंदर मैं यहाँ पर कलर का यूज़ कर लेता हूँ 255। मैंने RGB की कलर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बढ़ा चुका हूँ, CSS वाली वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ 0 देन 0। अब लास्ट में इसके आते हैं हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0।
और सेम ही इसी आरजीबी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा लगा के सेपरेट करके एक और बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो आपने देखा कि मैंने रेड कलर को 255 जो कि मेरा रेड कलर है उसको मैंने यहाँ पर फॉर्म कर चुका हूँ। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी मेरा चेंजेस नहीं दिख रहा है। और जैसे ही इसकी अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेरी कितनी आ चुकी है। जो मेरा पहला कलर है जो कि मेरा रेड कलर है, इसकी मेरी ट्रांसपेरेंसी है 0 और दूसरे की है मेरी ट्रांसपेरेंसी 1। अब मैं इसको चेंज करके 5 कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ से ये डार्क होता जा रहा है। अब आप गाइज इसमें परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10%, परसेंटेज में मैंने इसमें वैल्यू दी है, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% ये मेरा बिल्कुल एकदम देख सकते हैं आपकी बिल्कुल स्लाइटली ये शो हो रखा है मेरे को। और जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ 30% पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30% मेरा ये शो हो रहा है। तो रेदर देन आप अल्फ़ा की वैल्यूज़ के अलावा आप यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ करें तो वो ज़्यादा काफ़ी मुझे बेटर शो हो रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं अब रिपीटिंग अ लीनियर ग्रेडियंट। तो गाइज रिपीटिंग अ लीनियर ग्रेडियंट हमारी एक अलग प्रॉपर्टी आ गई इसमें। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर हमें कलर्स को यहाँ पर परसेंटेजेस देनी है, मतलब हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े कलर हमारे बार बार रिपीट हों, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड, देन ग्रीन, देन उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वायलेट। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर लिए और इन कलर्स की मैं यहाँ पर कुछ परसेंटेज में वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो पहले की दी मैंने 10%, दूसरे की दी मैंने 20%। ब्राउज़र पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये रिपीटिंग आ चुका है। तो रिपीटिंग क्या है, अगर मैंने यहाँ पर 10% दिया और इसकी दिए 20%, तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर ले लेगा मेरा बिल्कुल। और इसके बाद अगर आप इसमें डिग्रीज़ का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिग्रीज़ यूज़ कर सकते हैं। डिग्रीज़ मैंने यूज़ करी, रिफ्रेश करा, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका रेडियल रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट आपका किस तरीके से ये फॉर्म कर चुका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर डिग्रीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्क करने लगा है। तो नेक्स्ट अब इसमें हम चलते हैं रेडियल ग्रेडियंट्स की तरफ। तो गाइस रेडियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था कि हमारे सेंटर से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली वो हमारे एक सर्कल के फॉर्म में क्रिएट होते हैं। तो इसका भी सिंटैक्स हम देख लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज जो कि सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पर लीनियर की जगह रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ करना है। लीनियर की जगह हम लिखेंगे रेडियल और यहाँ पर आएगा हमारा शेप साइज एट पोजिशन कि किस तरीके का हम शेप देना उसको चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अगर सर्कल, तो वो सर्कल के फॉर्म में मेरा ये शेप क्रिएट होएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे कलर्स, जो कि हमारा ऊपर वाले स्टेप में था जो कि हम कलर दे सकते हैं, वैसे ही हमारा ये नीचे। तो गाइस रेडियल ग्रेडियंट का इवनली स्पेस्ड कलर जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट है, जैसी इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी टॉप टू बॉटम, वैसे ही हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा मैं रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट अब इसके अंदर मैं कलर दे देता हूँ रेड एंड ग्रीन। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कल के फॉर्म में मेरा कलर आ रहा है। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल के फॉर्म में मेरा कलर शो हो रहा है। रेड की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ येलो, रेड की जगह मैंने करा येलो, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल के फॉर्म में मेरा कलर शो हो रहा है। इसके साथ आप यहाँ पर 3 कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर करे 3 कलर यूज़, रिफ्रेश करा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सर्कल के फॉर्म में किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। उसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना भी हमारे विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग इसने तीनों कलर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे डिफरेंशली स्पेस्ड कलर स्टॉप्स। तो इसमें हम परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं कि रेड वाले की हम दे देते हैं 10%, येलो वाला जो होगा हमारा 30% का कलर होगा, एंड देन इसके बाद हमारा ग्रीन जो होगा कि 30 and 10 जो है हमारे 40% हुए, देन 60% हमारे पास बचा 100% में से,
ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 60% मेरा ग्रीन है, 30% मेरा येलो है, 10% मेरा रेड कलर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशली स्पेस कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास शेप। तो गाइस शेप क्या है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसकी शेप देता हूँ, अगर सर्कल, मैंने यहाँ पर शेप दी इसकी सर्कल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल के फॉर्म में मेरा रेडियल ग्रेडिएंट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, सेम जो ऊपर हमारी प्रॉपर्टी थी रिपीटिंग वाली, तो रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, तो रिपीटिंग ग्रेडियंट में भी हम सेम ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा रिपीटिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिपीटिंग, और सर्कल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो भी हमें कलर्स की उनकी जितना भी हमें साइज़ देना है वो कलर मैंने यहाँ पर दे दिए। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपीटिंग मेरे पास कलर है। पहला जो हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो ये है, सेकंड जो फॉर्म हुआ है ये है, देन उसके बाद जो थर्ड हमारा फॉर्म हुआ वो ये है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर रिपीटिंग रेडियल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।